मूवी स्टार्ट होते ही हमें किमले नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने कार से एक रियलिटी शो की शूटिंग में जा रही होती है। इस जंगल के बीच से गुजरने वाली रोड में काफ़ी दूर आने के बाद उसे दो रास्ते दिखाई देते हैं। वो अपने बॉस से कॉल पर बात करते हुए किस रास्ते पर जाना है इसके बारे में पूछती है और वो एक रॉन्ग टर्न ले लेती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद जब किमले अपना फ़ोन देखती है तभी कार का किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो अपनी कार से बाहर आकर उस आदमी को चेक करने के लिए जाती है पर वो आदमी किमले पर ही हमला कर देता है और वहाँ थी फिंगर नाम का एक और आदमी आता है जो किमले को कुल्हाड़ी की मदद से दो हिस्सों में काट देता है, जिसके बाद वो दोनों किमले की बॉडी को ले जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग रियलिटी शो में शूटिंग के लिए आए हुए होते हैं। ये लोग इस रियलिटी शो में एक गेम खेलते हैं। वो एक रैंडम कार्ड के ज़रिए अपनी अपनी टीम बनाते हैं और सभी लोगों के फ़ोन जमा कर लेते हैं। इस जंगल में ज़्यादातर जगह कैमरे लगाए होते हैं जिससे कि उनकी सारी हरकतों को फिल्माया जा सके। अब गेम स्टार्ट होता है और उन्हें एक टास्क दिया जाता है जिनमें इन सभी को जंगल में जाकर खाना ढूंढकर लाना होता है। फिर सभी कंटेस्टेंट जंगल की ओर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम वैन के अंदर सीसीटीवी मॉनिटर में देखते हैं कि नील पर वो म्यूटेंट हमला करके उसे मार देता है। जब डेल जंगल में लगे कैमरों को चेक कर रहा होता है तभी वहाँ दूसरा म्यूटेंट आ जाता है और डेल के सर पर मारकर उसे वहाँ से ले जाता है। एम्बर और जॉन्सी जंगल के बीच में पहुँचते तभी जॉन्सी देखता है कि मीट को आग पर रखा होता है लेकिन इसे बनाने वाला यहाँ पर नहीं होता, जिसके बाद वो दोनों इस मीट को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी ओर हम मीना और मारा को देखते हैं, तभी कोई अचानक कुल्हाड़ी फेंक कर मारा को भी मार देता है। अब पान नाम का म्यूटेंट मीना को ढूंढने लगता है पर वो उसे नहीं मिलती, जिसके बाद वो एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है और वो उसी जगह जाता है जहाँ डेल को बांधा हुआ था। इस समय थ्री फिंगर पहले से ही एक बॉडी को काट कर उसके टुकड़े कर रहा होता है। अब पा वहीं मारा की बॉडी रखकर फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद थ्री फिंगर डेल को भी मारने वाला होता है, तभी डेल खुद को आज़ाद करके थ्री फिंगर पर हमला कर देता है और उसे गोली मार देता है। अब यहाँ जॉन्सी और एम्बर को मीट लेकर आए थे, वो दोनों इसे जैक के साथ मिलकर खा रहे होते हैं। तभी वहाँ मीना भागते हुए आती है और वो बताती है कि यहाँ कुछ लोग हैं जो दूसरे लोगों को मार रहे हैं और उन्होंने मारा को भी मार दिया। जब मीना उस मीट पर बने टैटू को देखती है तो उसे पता चलता है कि यह टैटू किम्बले की बॉडी पर बना था और वो किम्बले का ही मीट खा रहे थे, जिससे जॉन्सी उल्टी कर देता है। अब वो सभी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं लेकिन वो म्यूटेंट उन पर हमला कर देते हैं। मीना जब भागती है तो वो तभी एक गड्ढे में गिर जाती है पर जैक उसे उस गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। दूसरी ओर जॉन्सी और एम्बर साथ में भाग रहे होते हैं मगर जॉन्सी एक ट्रैप में फंस जाता है और उसे बचाते समय एम्बर भी एक ट्रैप में फंस जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पा और उसका बेटा आता है। पा अपने बेटे को धनुष देता है और उन्हें मारने को कहता है, जिसके बाद जॉन्सी और एम्बर मारे जाते हैं। दूसरी ओर जैक और मीना एक घर तक पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने पर वो फ़ोन या रेडियो ढूँढने लगते हैं पर यहाँ की चीज़ें बिल्कुल भी काम नहीं करती। वो देखते हैं कि यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और साथ ही उनकी वैन भी होती है जिसे म्यूटेंट लेकर आए थे। अब जैसे ही वो दोनों उस वैन के अंदर जाते हैं तो म्यूटेंट पीछे से आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। जल्द ही रात हो जाती है और हम देखते हैं कि म्यूटेंट ने मीना और जय को बांध रखा है और वो सभी म्यूटेंट इंसानों का मांस खा रहे होते हैं। तभी वहाँ डेल उनको बचाने के लिए आता है पर म्यूटेंट को डेल के आने का पता चल जाता है। वो उसे ढूंढने लगते हैं पर डेल एक म्यूटेंट पर तीर चलाकर उसे मार देता है। फिर वह मीना और जय के पास जाता है और उन्हें आज़ाद करता है लेकिन डेल पर एक म्यूटेंट तीर से हमला कर देता है। डेल मीना और जय को यहाँ से भागने को कहता है और वो म्यूटेंट डेल को मार देते हैं। अब मीना और जय वो दोनों मिलकर इन म्यूटेंट को एक कटर के बीच धक्का दे देते हैं, जिससे वो म्यूटेंट मारे जाते हैं। इसके बाद मीना और जय वहाँ से चले जाते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक फ्रेंड्स ग्रुप दिखाया जाता है जो रिवर में बोटिंग कर रहे होते हैं।
फिर जब वो थक जाते हैं तो आराम करने के लिए रिवर के किनारे पर आ जाते हैं, पर तभी वहाँ थ्री फिंगर नाम का एक म्यूटेंट आ जाता है जो उन लोगों पर हमला कर देता है और सोफी को तीर से मार देता है। ब्रेंड उस म्यूटेंट को देखकर वहाँ से भाग जाता है, पर वो एक ट्रैप में जाकर फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके दूसरे फ्रेंड को भी थ्री फिंगर मार देता है, लेकिन एलेक्स नाम की लड़की उस म्यूटेंट से बचकर भाग जाती है। अब सीन यहाँ पर चेंज हो होता है और हमें वेस्ट वर्जीनिया का एक जेल दिखाया जाता है। आज के दिन यहाँ से 5 क्रिमिनल्स को इस जेल से दूसरी जगह पर भेजना है, फिर उन सभी लोगों को एक बस में बैठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। जल्द ही रात हो जाती है। अब वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी उनके पीछे एक ट्रक आता है जो बस में बार बार टक्कर मारने लगता है, जिसकी वजह से बस का एक्सीडेंट हो जाता है। और हमें ये पता चलता है कि उस ट्रक को थ्री फिंगर चला रहा था। अब बस के अंदर आग लग जाती है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर उन सभी कैदियों को बाहर निकालता है, लेकिन ऑफिसर पर कोई चाकू मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उन लोगों की ओर तीर से हमला होने लगता है, फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं और इस घने जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। मगर कुछ दूर आगे जाने के बाद वहाँ एलेक्स आती है जो उस म्यूटेंट से बच गई थी। एलेक्स उन्हें बताती है कि इस जंगल में म्यूटेंट है जिन्होंने उसके सारे फ्रेंड्स को मार दिया। वो म्यूटेंट उन्हें मारकर खा भी जाते हैं। ये सुनकर वो लोग एलेक्स की बातों पर यकीन नहीं करते और उस पर हंसने लगते हैं। फिर वो सभी लोग साथ में आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक पुराना ट्रक दिखाई देता है, और जब वो ट्रक के अंदर देखते हैं तो वहाँ बहुत सारा पैसा होता है। वो पैसों को बैग में भरकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी उनका एक साथी ट्रैप में फंस जाता है और वो मारा जाता है। फिर आगे बढ़ने पर वो सभी उसी ट्रक के पास पहुँच जाते हैं जिसने बस को टक्कर मारी थी। इसके बाद उनका दूसरा साथी ट्रक को चेक करने के लिए जाता है, मगर वो थ्री फिंगर के बनाए ट्रैप में फंस जाता है और थ्री फिंगर उस आदमी को घसीटते हुए मार देता है। कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर वहाँ आता है जो उन सभी क्रिमिनल्स को अपने साथ ले जाने लगता है, पर थ्री फिंगर उस ऑफिसर को भी मार देता है। वो लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें थ्री फिंगर का ट्रक दिखाई देता है। थ्री फिंगर वहाँ से बाहर आता है और एलेक्स को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। थ्री फिंगर एलेक्स को अपने घर के अंदर लाता है और उसे अंदर बांध देता है। अब जब थ्री फिंगर बाहर आता है तो उसे उसके सामने चेवेट दिखाई देता है। थ्री फिंगर उस पर हमला कर देता है और उसे मारकर उसका ब्रेन खाने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नेट थ्री फिंगर के घर के अंदर आ जाता है। वो देखता है कि यहाँ बहुत सारे इंसानों के शरीर के पार्ट्स रखे होते हैं। फिर वो दूसरे कमरे में जाता है जहाँ एलेक्स बंधी हुई थी। नेट उसे आज़ाद करता है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है और वो उन दोनों पर हमला कर देता है। जब थ्री फिंगर नेट को मारने ही वाला होता है तभी एलेक्स पीछे से थ्री फिंगर के पीठ में लकड़ी घुसा देती है। इसके बाद वो दोनों थ्री फिंगर के ट्रक को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो म्यूटेंट मर चुका है और वो बच गए हैं, लेकिन तभी वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है जो ट्रक में चढ़कर उन दोनों पर हमला करने लगता है, जिससे ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वहाँ बैंडन आता है, वो उन दोनों को ट्रक से बाहर निकालता है। थ्री फिंगर वापस आता है, मगर नेट हुक को थ्री फिंगर के सर पर घुसा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब आखिरी में वो तीनों बचते हैं। नेट बैंडन को यहाँ से चले जाने को कहता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है जिससे वो दोनों बच जाते हैं। अब हम कुछ दिनों बाद का समय देखते हैं जहाँ नेट फिर एक बार यहाँ पैसों के लिए आता है, लेकिन बैंडन पीछे से आकर उसे मार देता है। बैंडन के पीछे एक और किलर आता है जो उसे भी मार देता है। अब आखिरी में ये किलर कौन था इसका पता हमें इस मूवी के अगले पार्ट में दिखाया जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के आगे के पार्ट्स भी हम ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे।